ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 11। रक्षो धमेन ब्रिकवद विपिने असमक्षम रक्षो अधमेन ब्रिकवद विपिने असमक्षम वैदेहराज दुहितर अपया पितायाम वैदेहराज दुहितर अपया पितायाम भ्रात्रा बने कृपणवत प्रियया वियुक्तः भ्रात्रा बने कृपणवत प्रियया वियुक्तः स्त्री संगीनां गतिमिति प्रथयन् सचार स्त्री संगीनां गतिमिति प्रथयन् सचार रक्षो धमेन ब्रिकवद् विपिने असमक्षम वैदेहराज दुहितर अपया पितायाम भ्रात्रा बने कृपणवत प्रियया वियुक्तः स्त्री संगीनां गतिमिति प्रथयन् सचार रक्षो धमेन ब्रिकवद् विपिने असमक्षम वैदेहराज दुहितर अपया पितायाम भ्रात्रा बने कृपणवत प्रियया वियुक्तः स्त्री संगीनां गतिमिति प्रथयन् सचार। अब शब्दार्थ करते हैं। रक्षा धमेन अत्यंत दुष्ट राक्षस रावण द्वारा ब्रिकवत बाघ के समान विपिने जंगल में असमक्षम असुरक्षित वैदेहराज दुहितरी विदेह राजा की पुत्री सीता देवी इस दशा के द्वारा अपया पितायाम अपहरण करके भ्रात्रा अपने भाई के साथ बने जंगल में कृपणवत अत्यंत सताए दिन व्यक्ति की तरह प्रियया अपनी प्रियतमा के द्वारा वियुक्त विलग हुए स्त्री संगीनाम स्त्रियों में आसक्त पुरुष का गतिम गंतव्य इति इस प्रकार प्रथयन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए
चचार घूमने लगे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्री रामचंद्र ने जंगल में प्रवेश किया और लक्ष्मण भी कुटिया में नहीं थे। उस समय दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी को उसी प्रकार अपहरण कर लिया जिस प्रकार गणेरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तब श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस प्रकार भटकते रहे मानो कोई अत्यंत दुखी व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री आसक्त पुरुष की दशा प्रदर्शित की। तात्पर्य इस श्लोक में स्त्री संगी नाम गतिमिति शब्द बतलाते हैं कि श्री भगवान ने स्त्री आसक्त व्यक्ति की दशा प्रदर्शित की। वैदिक उपदेशों के अनुसार गृहे नारीम विवर्जयेत, जब कोई यात्रा पर जाए तो अपनी पत्नी को साथ में न ले जाए। पुराने जमाने में मनुष्य बिना सवारी के यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो जब कोई घर से बाहर जाए तो अपने साथ अपनी पत्नी को न ले जाए। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जिसमें श्री रामचंद्र जी थे, जब उन्हें उनके पिता द्वारा वनवास दे दिया गया था, कोई जंगलों में रहे या घर में रहे अगर वह अपनी स्त्री में आसक्त है तो ऐसी आसक्ति आफत बन जाती है, जैसा कि श्री भगवान ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा दिखलाया है। वस्तुतः स्त्री संगी का भौतिक पक्ष है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र की स्थिति आध्यात्मिक है, क्योंकि ये भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं हैं। नारायण परो अव्यक्तात्, नारायण भक्ति सृष्टि से परे हैं, चूँकि वे भौतिक जगत के रचयिता हैं, अतः उन्हें भौतिक जगत की दशाएं नहीं सताती। श्री रामचंद्र का सीता से वियोग भी प्रलंब समझा जाता है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आह्लादिनी शक्ति की क्रिया है, जिसका संबंध श्रृंगार रस अर्थात आध्यात्मिक जगत के माधुर्य प्रेम से है। आध्यात्मिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में समस्त प्रेम व्यवहार देखने को मिलते हैं। उनमें सात्विक, संचारी, विलाप, मूर्छा तथा उन्माद सभी अवस्थाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। इसलिए जब भगवान रामचंद्र सीता से वियुक्त हुए तब ये समस्त आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। श्री भगवान न तो निराकार हैं न शक्तिहीन, प्रत्युत वे सच्चिदानंद विग्रह ज्ञान और आनंद के शाश्वत रूप हैं। इस प्रकार उनमें आध्यात्मिक आनंद के समस्त लक्षण पाए जाते हैं। अपने प्रियतमा से वियोग का अनुभव भी आध्यात्मिक ही है, जैसा कि श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्ति। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं श्री भगवान की आह्लादनी शक्ति के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। श्री भगवान संपूर्ण आनंद के मूल स्रोत हैं, संपूर्ण आनंद के स्रोत हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही प्रकार में सत्य का प्रदर्शन किया। भौतिक दृष्टि से जो मनुष्य स्त्री से आसक्त हैं उन्हें कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब श्री भगवान तथा उनकी आह्लादनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है तो श्री भगवान का आनंद बढ़ जाता है। इसकी आज्ञा व्याख्या श्रीमद् भागवतम के 9-11 में हुई है और जानन्ति मां, भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 11 में हुई है। और जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तन्माश्रितम्
परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानता उन्हें सामान्य प्राणी मानता है, लेकिन श्री भगवान के मन बुद्धि तथा इंद्रियां कभी भी भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। स्कंद पुराण में इसकी विशद व्याख्या मिलती हैं, जिसका संदर्भ माध्वाचार्य ने दिया है। नित्यपूर्ण सुख ज्ञानम स्वरूप अश बनो विभु यतो विभु यतो यस्य रामित्याख्या तस्य दुःखम कुतोन्वपि तथापि लोक शिक्षार्थम अदुखो दुख वर्णिवत अंतरहितम लोक दृष्टिया सीता मासित स्मरण दिव ज्ञापनार्थम पुनर्नित्यम संबंधम स्यात् संबंध स्वात्मन श्रिय अयोध्यायाम विनिर्गछन सर्वलोकस्य चेश्वरम प्रत्यक्षम तुम श्रिया सार्धम जगा जगाद मानादिर अव्यय। नक्षत्र मास गणितम त्रयोदश सहस्रकम ब्रह्मलोक समम चक्रे समस्तम क्षितिमंडलम रामो रामो रामिति सर्वेषाम अभवत्तदा सर्वोरम मयो लोको यदा रामस्य अपालयत। वस्तुतः रावण द्वारा सीता का अपहरण करना असंभव था। रावण द्वारा हरी गई सीता सीता देवी का माया मय स्वरूप था। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो मायामय स्वरूप भस्म हो गया और वास्तविक सीता अग्नि से बाहर आ गई। इस उदाहरण से एक और शिक्षा यह मिलती है कि इस भौतिक जगत में कोई स्त्री कितनी ही बलवती क्यों न हो, उसे संरक्षण प्रदान किया ही जाना चाहिए, अन्यथा जैसे ही वह सुरक्षित होगी तो रावण जैसे राक्षसों द्वारा शोषित की जाएगी। इस श्लोक में आया हुआ वैदेह राज दुहितरी शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री रामचंद्र से विवाह होने के पूर्व सीता अपने पिता विदेह राज द्वारा सुरक्षित थी और विवाह होने पर उन्हें अपने पति का संरक्षण प्राप्त था। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है स्त्री की सुरक्षा सदैव होनी चाहिए। वैदिक नियमानुसार स्त्री के स्वतंत्र होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। तो इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र से सीता का वियोग असंभव है, या सीता कभी राम से अलग नहीं की जा सकती हैं। जैसे शरीर से छाया को अलग नहीं किया जा सकता है, शरीर और छाया का न्योनाश्रय संबंध है, वैसे शक्ति और शक्तिमान हमेशा साथ रहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सीता को रावण चुरा ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं चुरा सकता है, वो तो माया सीता को ले गया था। भगवान संकल्प किए थे जब दंडकारण्य में भगवान घूम रहे थे, फिर दंडकारण्य होते हुए नासिक में गए। नासिक में पंचवटी में जब निवास कर रहे थे तो वहाँ सुपनखा आई थी और विवाह का प्रस्ताव लेकर के कि मेरे साथ विवाह कीजिए। भगवान श्री राम एक स्त्री व्रत लिए हैं, भगवान मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत किए हैं कि व्यक्ति को एक नारी पर ही जीवन यापन करना चाहिए, एक नारी ब्रह्मचारी ऐसे लोक में प्रसिद्ध लोकोक्ति है। अब भगवान राम देख भी चुके थे कि उनके पिता की तीन रानियां थीं तो क्या स्थिति हो गई थी। महाराज दशरथ की तीन रानियां थीं तो जिसके चलते कितनी बड़ी समस्या हो गई। इससे भी भगवान शिक्षा देते हैं और शिक्षा स्वयं लिए भी
एक सामान्य व्यक्ति की तरह भगवान शिक्षा का पालन करते थे। ऐसे कल राधा वल्लभ प्रभु कहे कि भगवान राम की जो लीलाएं हैं इस मानव समाज के अनुरूप है, और मानव समाज भगवान राम की लीलाओं को अगर अपना ले तो आदर्श समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। मनुष्य समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था है, भाई भाई के साथ जो संबंध है, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, राजा प्रजा का, शिक्षक और गुरु का, अनेक जो संबंध है उसको भगवान स्वयं उसका शिक्षण कार्य करके उसका शिक्षा दिए। शिक्षार्थम लोक शिक्षार्थम भगवानी लीलाओं को, इन कार्यों को खुद लीलाबद्ध किए, खुद अनुसरण किए। जैसे बचपन में माता पिता गुरु अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करते थे, आदर्श दिखाए। भगवान राम जब प्रातः उठते थे तो अपने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते थे और माता पिता को, और उनसे जो भी बड़े होते थे को प्रणाम करते थे, और अपने भाइयों के साथ बड़े शालीनता, उदारता और नम्रता से व्यवहार करते थे। बड़ा माधुर्य प्रेम भाइयों में था, और परिवार के हर सदस्य के प्रति बड़े उदात्त भाव से बड़े मधुर संबंध स्थापित किए हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं लोक में बहुत प्रसिद्धि है, इसलिए भगवान मानवी लीला किए हैं, नर लीला। भगवान की लीला भगवान कृष्ण किए हैं, इसमें मर्यादा का विधान नहीं है। जो प्रभु जी कह रहे थे कि कृष्ण मर्यादा के परे हैं, उनके पास चाहे कितनी भी स्त्रियां आ जाएं विवाह कर लिए। 16,000 भीमासुर के किले में कैद स्त्रियों ने प्रस्ताव रखा कि हम लोग कहाँ जाएंगी, समाज हम लोग को नहीं स्वीकार करेगा, और आप ही हमारे पति हैं। पति जो पालन करता है, रक्षा करता है, आप हम लोग को विषम परिस्थिति से मुक्त करके हम लोग को विषम संकट से उबारे हैं, तो आप ही पति हैं। तो उनके निवेदन को भगवान स्वीकार कर लिए, लेकिन भगवान राम के बाद निवेदन करने के लिए सुपनखा बार बार आरजू कर रही थी, मिनती कर रही थी कि हमसे विवाह कर लीजिए, भगवान राम स्वीकार नहीं किए। बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई तो नाक कान ही कटवा दिए। एक कथाकार विनोद में कह रहे थे कि भगवान ने नाक कान क्यों कटवा दिया सुपनखा का, नाक कान कट गया तो उसका विवाह भी नहीं होगा, अब विवाह के लायक नहीं रह गई थी। तो एक विद्वान ने कहा है कि भगवान राम उसको इसको रिजर्व कर दिए कि चलो अगले अवतार में, राम अवतार में तुमसे विवाह करूँगा। इस अवतार में तो मैं एक स्त्री का व्रत लिया हूँ, ये तुम्हारा नाक कान काट देता हूँ कोई पुरुष तुम्हें वरण नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा, इसलिए अगले अवतार में, कृष्ण अवतार में। जैसे समाज में आप लोग देखे होंगे देवी का, काली का जो बकरा होता है तो लोग कान काट कर छोड़ देते हैं, तो उसको कोई नहीं मारता है, वो बोलते हैं देवी का बकरा देखो कान कटा हुआ है, वो देवी के लिए रिजर्व हो जाता है। देवी काली का पूजा होता है ना, तो कभी कभी बकरे को छोड़ दिया जाता है कान काट करके। तो गांव में हम लोग देखते हैं अरे तो देवी का बकरा, इसका कान कटा हुआ है। उसी तरह भगवान राम ने सुपनखा कहा कि ठीक है, मन स्वीकृति दे दिए कि अगले बार तुम्हारे साथ विवाह करूँगा, लेकिन इस समय तो परिस्थिति अलग है, इसलिए ना कान कटवा दिए कि विवाह नहीं होगा किसी से तुम्हारा। तो भगवान राम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक चीज़ को बहुत हाईलाइट किए हैं, स्त्री संगीनाम गतिमिति। श्री भगवान ने मानो एक प्रदर्शन किया है, एक सामान्य व्यक्ति जो संसार में लोग संसारिक वस्तुओं में, स्त्री में
आत्म आत्मज आप गृह बीत जने सुशक्तई। जो लोग संसार की वस्तुओं में बहुत आसक्त हैं, अपने में अपने आत्मज में पुत्र पौत्र कुलत्राद्री बहुत आसक्त हैं, वे लोग बहुत दुखी होते हैं। जो संसार के वस्तुओं में बहुत आसक्त है तो उसके छूटने पर बहुत दुख होता है, मिलने में भी कठिनाई होता है और छूटने में भी। जैसे धन है, लोग बहुत परिश्रम करके कमाते हैं, धन प्राप्त करना भी बहुत परिश्रम करके लोग प्राप्त करते हैं और चला जाता है तो भी बहुत दुख होता है। कमाने में भी दुख है और खर्च हो गया ज़्यादा या नुकसान हो गया तो भी दुख होता है। आए दुखम बे दुखम, धन को आय करने में भी और व्यय करने में भी हर तरह से दुख है। आज जो लोग धन में बहुत आसक्त हैं तो किसी कारणवश धन का नुकसान हो गया, हानि हो गया तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए धन के साथ साथ में और भी जो वस्तुएं हैं संसार से जो हम अपने दैहिक संबंध बना लिए हैं तो उन वस्तुओं के जाने पर बहुत दुख होता है, मिलने में भी और जाने में भी। तो भगवान यहाँ पर स्त्री संगीनाम गतिमिति प्रथयन चचार रह, ये संसारिक व्यक्ति जो स्त्री में बहुत आसक्त है उस व्यक्ति की स्थिति का प्रदर्शन किए हैं। जबकि भगवान वास्तव में सीता के वियोग से दुखी नहीं थे, वो जानते थे कि सीता का वियोग नहीं हुआ है, सीता तो को माया स्वरूप को ले गया है रावण। तो सुपनखा कन्ना कान काटने के बाद सुपनखा जो है अपने भाई के पास गई और भाई को बहुत बहका करके युद्ध करने के लिए तैयार की। तो भाई लोग विशाल सेना लेकर के आए युद्ध करने के लिए, 14,000 सेना, 14,000 ना। तो उसी समय भगवान ने सीता को कहा था कि आप अग्नि में वास कर जाओ, जब तक मैं निशाचरों का संहार नहीं कर लेता हूँ तब तक तुम अग्नि में रहो, और माया सीता को वहाँ खड़ा कर दिए थे। तो रावण माया सीता को ही ले गया था, खरदूषण के साथ भारी युद्ध हुआ था और सारी सेना को भगवान मार दिए थे। फिर बाद में सुपनखा रावण के पास जाती है, इस तरह से लंबा युद्ध होता है। आदव राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृग कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायणम। भगवान एक माइक जगत की मायामयी लीलाएं कर रहे थे, माया के पति भगवान माया मृग के पीछे क्यों भाग रहे थे, वो तो माया के पति हैं और माया मृग मारिस तो माया का मृग माया माइक मृग बना था, फिर भी भगवान जब उसके पीछे दौड़ रहे थे जान करके भी। जो सर्वज्ञ हैं सब जानते हैं कि माया के पीछे क्यों भाग रहे थे। भगवान संसार की मायामयी क्रियाओं को ही उद्घाटित कर रहे थे, इसलिए माया मृग के पीछे भाग रहे थे। ऐसे लोक में विदित है कि सोने का मृग नहीं होता है, असंभवम असंभवम है मृगस्य जन्म, सोने का मृग थोड़े जन्म लेता है। उसके बावजूद भी तथापि रामो लुलुभे मृगाय, उसके राम भी उस पर लुब्ध हो गए उसके सौंदर्य पर, जबकि सर्वज्ञ हैं सब जानते हैं, सबके अंतर्मन की बात को जानते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि ये नहीं माया मृग है, ये वास्तविक मृग नहीं है। तथापि रामो लुलुभे मृगाय,
भगवान इस तरह से संसार की लीलाओं को उद्घाटित कर रहे थे और दिखा रहे थे कि संसार में अशक्त व्यक्ति कितना दुखी होता है। और माया मृग के पीछे भाग रहे थे, उसी समय रावण जो है माया सीता को ले गया। आश्रम पर भगवान आए, आने से पहले लक्ष्मण से कि लक्ष्मण मुझे ऐसा विश्वास हो रहा कि सीता को यहाँ के निशाचरों ने चुरा लिया है। मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि सीता को राक्षस चुरा ले गया है। भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और आश्रम पर आए तो रोने लगे, बिलाप करने लगे, सीता के विरह में रो रहे थे और पूछ रहे थे चारों तरफ। इसी दृश्य को सती ने देखा तो भ्रम हो गया कि नहीं, ये राम जगदीश नहीं है, भगवान नहीं है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं और स्त्री के विरह में रो रहे हैं और पूछ रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह पूछ रहे हैं, पशुओं से, वृक्षों से, लताओं से, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। शिव जी कह कि नहीं, भगवान की लीलाएं ऐसी होती हैं उनको समझना बड़ा कठिन है। तुम क्या, मैं भी कभी कभी विस्मित हो जाता हूँ। भगवान की लीलाएं अत्यंत विस्मयकारी हैं। भगवान में शंका मत करो, भगवान लीला कर रहे हैं, इनकी लीला को समझना बड़ा कठिन है। शिव जी बार बार कहे, लेकिन सती को विश्वास नहीं हो रहा थी, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते हैं, अगर भगवान होंगे तो मैं परीक्षा लूँगी। शिव जी का परीक्षा मतलब, फिर भी सती ने नहीं माना। आश्रम से आकर अकेली सीता का रूप बना करके चौराहे पर खड़ी हो गई। तो भगवान राम ने कहा कि अकेली वन में क्यों घूम रही हैं, प्रभु शिव जी कहाँ हैं, आपके पति देव शिव जी कहाँ हैं, आप अकेली वन में क्यों घूम रहे हैं। स्त्री को तो अकेली नहीं घूमना चाहिए, स्त्री को भी वन में आ देंगे ना, हमारी स्त्री मानो भगवान संकेत करे कि मेरी स्त्री अकेली थी वन में, राक्षसों ने हर लिया है, अब मैं खोज रहा हूँ, आप अकेली, आपको भी कोई चुरा ले जा सकता है, अकेली क्यों घूम रही हो हैं। मैं खुद ही उस पीड़ा में हूँ कि हम लोग अकेली सीता को आश्रम में छोड़कर चले गए तो सीता को राक्षसों ने उठा ले गया, आप शिव जी के बिना अकेली वन में घूम रही हैं, ठीक नहीं है। तो सती को बड़ा शर्म आ गई, फिर प्रणाम करके झुकी, प्रणाम को उठी तो चारों तरफ सीताराम दिखाई दे रहे थे। अरे सीता का हरण ही नहीं हुआ है, चारों तरफ सीताराम सीताराम, मतलब सीता कृष्ण राम से अलग नहीं हो सकती हैं। तब सती को ये हुआ कि वास्तव में शिव जी सही कह रहे थे कि इनकी लीलाएं जो हैं अत्यंत विस्मयकारी होती हैं। यहाँ भगवान राम इस लीला के द्वारा संसारिक व्यक्ति की जो बहुत आसक्त हैं संसार की वस्तुओं में, उस बात को उद्घाटित किए हैं। जब भगवान राम वन में जा रहे थे उस समय सीता को कहे थे कि देखो हमें 14 वर्ष वन में रहना है और शहर में नहीं जाना है, और उस वन में बड़े बड़े राक्षस हैं, स्त्री पुरुष को खाने वाले लोग हैं, नर बलि देने वाले लोग भी रहते हैं, वैसे असुरक्षित जगह में तुम्हें जाना ठीक नहीं है, तुम अयोध्या में ही रहो करके हरि निश्चर्च रही दुष्ट जंतु बनभूर, उस जंगल में करके हरि, कर माने हाथी के हरि माने सिंह, दुष्ट जंतु अनेक दुष्ट जंतु हैं और निशाचर हैं, वहाँ कैसे रहोगी, अब लंबी यात्रा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लंबी यात्रा हो तो स्त्री को साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए, धार्मिक यात्रा है, गोवर्धन परिक्रमा है तो ठीक है, पति पत्नी जा सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष भगवान राम की जो स्थिति है, 14 वर्ष वन में घूमना है, वो भी शहर में नहीं जाना है,
शहर में जाएंगे तो गेस्ट हाउस है, रुकने के लिए व्यवस्था है, सुरक्षित है, लेकिन वन में वो भी जंगल में रहना है तो स्त्री लेकर रहेंगे, सुंदर स्त्री के साथ तो कोई भी ले जाएगा चुरा करके। सुंदर स्त्री भी शत्रु है। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु पंडित। रूपवती भार्या भी शत्रु है और वो भी लेकर यात्रा में जाएं निर्जन में जंगल में, वो भी 14 वर्ष की यात्रा में जंगल में, तो स्त्री को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लंबा यात्रा हो और खास करके ऐसी परिस्थिति जैसे भगवान राम की थी, इस परिस्थिति में हो तो स्त्री को साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए। तो कोई भी मार कर स्त्री ले जाएगा, कोई भी चुरा ले जाएगा। तो भगवान राम सीता को समझ पहले कह रहे थे कि वनवास मेरे लिए हुआ है, आप मत जाओ वन में, आप जनक की पुत्री हो, पिता जनक महाराज, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान, बड़े ऊंच कुल की हो और कभी जमीन पर पैर नहीं रखी हो। सीता जी बाल अवस्था में ही विवाह हो गया था तो जमीन पर कभी पैर नहीं रखे थे। इतनी सुकुमारी थी कि कौशल्या जी उनको पालने में या गोद में ही झुलाती थी। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग यवन कठोरा। भगवान राम कहे कि तुम वन में रहने के काबिल नहीं हो, वन में मत जाओ। कौशल्या जी ने भी समझाया था कि वन में तुम कैसे रहोगी, जैसे कल्प द्रुम हो, कल्प बेली, उसको जब फूलने का समय होता मानो कोई कुठारा घात कर दिया हो, वैसे सीता अभी तो बहुत कम उम्र में ही अयोध्या आ गई थी, अभी तो समय अनुकूल हो रहा तब तक वन जाने का अवसर आ गया, तो वन में कैसे रह सकोगी। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणों की जो प्रेमी चकोरी है वो सूरज को कैसे देख सकती है, चकोरी हमेशा चंद्रमा को देखती है, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन से कहीं की मिजोरी, वो सूरज के प्रखर किरणों में अपने नेत्र को नहीं मिला सकती है, वैसे सीता वन में कैसे रह सकती है। भगवान राम कहे कि वन में मत जाओ, लेकिन सीता ने नहीं माना तो परिणाम सबके सामने हुआ। भगवान राम कह रहे थे कि वन में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन नहीं मानी तो परिणाम सामने आ गया। तो भगवान ने का ये बाह्य रूप है, बाह्य रूप से यह दिखाए कि सीता का हरण हो गया है और राम बहुत दुखी हैं के विरह में हैं, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष यह है कि सीता राम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। भगवान कभी भी भौतिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं होते हैं, उनकी मन इंद्रियां शरीर सब दिव्य हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र सीता से वियुक्त हुए तब ये समस्त आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। इसमें भी आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। बाह्य दृष्टि से ऐसा लग रहा था कि सीता अलग हो गई, ते भी एक आध्यात्मिक सुख है, विप्रलम्भ माधुर्य रस। जब कोई पति पत्नी का वियोग होता है संसार में तो उसमें दुख होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान राम का सीता से जब बाह्य वियोग हुआ तो उसमें और सुखानुभूति की अभिवृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे राधा रानी और कृष्ण का जो वियोग पक्ष है
तो वास्तव में वो एक प्रकार का रस्य है, सबसे बड़ा रस्य है, और वो संयोग से भी ज़्यादा सुंदर है। उसमें भगवान का हमेशा चिंतन स्मरण होता है हर निश। संयोग में कभी कभी मान होता है, कभी अपमान भी होता है। जैसे कभी राधा रानी मान कर जाती हैं, कृष्ण के प्रति कुछ भर्सना करना, लेकिन वियोग पक्ष में हमेशा प्रेमी अपने प्रेमी के गुणों का चिंतन करता है, इसमें दोष नहीं देखता है। और सान्निध्य में, संयोग में कभी कभी दुख भी होता है, कभी कभी उपहास भी करता है व्यक्ति, कभी कभी अपमान भी करता है साथ में रहने से। कैसे ग्वाल बाल भगवान के साथ उनके स्कंद पारोहण करते हैं, उनके साथ एक साथ खाने लगते हैं। तो दूर होने पर प्रेम बढ़ जाता है। जे कवि ने लिखा है कि अतपरिचय से होता है अरुषि अनादर भाई, आ मलयागिर की भीलनी चंदन देती जलाए। जब भगवान कृष्ण ब्रज लीला में थे तो ग्वाल बाल उनके साथ सामान्य ग्वाल जैसा व्यवहार करते थे, या गोपियाँ भी। जब चले गए तो लोग बोलते हैं कि जब पास में कोई वस्तु होता है तो उसका महत्व तो हम लोग कम समझते हैं, अब जब चला जाता है तो उसका महत्व तो बढ़ जाता है। जैसे चंदन मलय पर्वत पर होता है तो उसका वहाँ के लोग महत्व तो कम देते हैं, उसको जला कर खाना बनाते हैं, और यहाँ हम लोग माथे पर लगाते हैं। मलयागिर की भीलनी चंदन देती जलाए, वो जलाने में भी चंदन का ही प्रयोग करती हैं, खाना बनाने में चाहे आग तापने में। यहाँ नहीं है तो चंदन का बहुत कीमत होता है। तो पास में होने पर कृष्ण जब पास थे ग्वाल बालों के साथ गए तो उनका महत्व कम लोग समझते थे, जब बहुत दूर हो गए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। चले भोचरी में कहावत है कि एक आदमी पाड़ी रखा था, भैंस का बच्चा होता है उसको पाड़ी बोलते हैं, तो मर गया तो बोला भैंस थी मर गई, जिंदे पड़िया मरते भैंस। जीवित थी तब पाड़ी थी, लेकिन मर जाने पर उसका कीमत ज़्यादा बढ़ा दिया कि भैंस थी मर गई। जब अलग हो गई, दूर चली गई, हमसे वियोग हो गया, तो इसका कीमत ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह भगवान का वियोग पक्ष जो है, बाह्य दृष्टि से देखे कि सीता को रावण ले गया, राम वन वन में रो रहे हैं, पूछ रहे हैं, स्त्री आसक्त व्यक्ति की तरह रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो उसमें कितना प्रेम कितना बढ़ जाता है। जैसे कोई बच्चा माँ का गुम हो जाता है, कोई छोटा बच्चा है मार्केट में या बाजार में माँ से बिछुड़ गया, तो माँ रात दिन उसी का चिंतन करती है, खाना पीना छोड़कर बच्चे का ही इंतजार करती है। कोई दरवाज़ा पर आया तो उसको कहते हैं हाँ बच्चा आ गया है। बच्चा जब है साथ में तो उतना याद नहीं होता है, लेकिन बच्चा भूल गया, मेला में गया भूल गया, बाजार में भूल गया, तो माँ जब तक बच्चा मिलते हैं तब तक उसका खाना पीना सोना भूल जाता है, भूल जाती है, खाना सोना अन्य काम करना, वो बच्चे का ही चिंतन करती है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्तिर अस्मात्। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं श्री भगवान की आह्लादनी शक्ति के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। श्री भगवान संपूर्ण आनंद के मूल स्रोत हैं, संपूर्ण आनंद के स्रोत हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही प्रकार से
सत्य का प्रदर्शन किया। भौतिक दृष्टि से जो मनुष्य स्त्री से आसक्त होते हैं उन्हें कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब श्री भगवान तथा उनकी आह्लादनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है तो श्री भगवान का आनंद बढ़ जाता है। सांसारिक दृष्टि से सांसारिक व्यक्ति में भाव कष्ट उत्पन्न करता है, लेकिन भगवान के लिए आनंद उत्पन्न करता है। उनकी आराधनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है तो श्री भगवान का आनंद और बढ़ जाता है। इसलिए भौतिक स्तर पर हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान राम बहुत दुखी हैं, सीता के वियोग में रो रहे हैं। ये भी एक अद्भुत रस है, इससे बड़ा और कोई रस नहीं है। प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि ओ जानंती माँ मूढ़ाम मानुषीम तन्माश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानता वह उन्हें सामान्य प्राणी मानता है, सामान्य व्यक्ति मानता है, लेकिन श्री भगवान के मन बुद्धि तथा इंद्रियां कभी भी भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती हैं। स्कंद पुराण में इसकी व्याख्या मध्वाचार्य ने उसी संदर्भ को प्रस्तुत किया है। प्रभुपाद जी 3-4-5 श्लोक कोट किए हैं इस संदर्भ में। वस्तुतः रावण द्वारा सीता का अपहरण करना असंभव था, फिर भी भगवान राम क्यों रो रहे थे, क्यों दुखी थे? मानो स्त्री संगी नाम गतिमितिम प्रथयन चचार, एक संसारी व्यक्ति की लीलाओं को उद्घाटित कर रहे थे कि संसार में आसक्त व्यक्ति कैसे दुखी होता है। एक बार परम पूज्य राधागोविंद महाराज मुंबई इस्कॉन ऑडिटोरियम में रामनवमी पर ही प्रवचन कर रहे थे, तो इसी प्रसंग को तो मैंने प्रश्न पूछा था कि महाराज जी भगवान राम सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं, फिर भी क्यों इतना रो रहे थे और सामान्य व्यक्ति की तरह? एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं पूछेगा वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से पूछ रहे थे। इसके पीछे भगवान क्या शिक्षा देना चाहते हैं? इस प्रसंग से भगवान जन सामान्य को क्या शिक्षा दे रहे हैं? यही से स्त्री संगी नाम गतिम इति प्रथयन चचार, संसारी व्यक्ति जो संसार के वस्तुओं में आसक्त है उस व्यक्ति की स्थिति को भगवान उद्घाटित कर रहे हैं कि संसार आसक्ति ही दुख का कारण है। कोई भी वस्तु में कोई व्यक्ति बहुत अधिक आसक्त है तो एक दिन वो वस्तु जाने वाली ही है, तो जाने पर बहुत दुख होता है, और जो जानता है कि वस्तु एक दिन जाने वाली है तो जाएगी ही, तो उसमें उतनी आसक्ति नहीं पालता है जिससे उसको दुख नहीं होता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।